इसका फन जैसे कैसे है? इसका ओडिशन मेरा आधा है, आधा है नहीं, आधा आधा सीधे आधा उड़न है इसका। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मौर्य सर्प मित्र पर। आज का रेस्क्यू कॉल हमें जौनपुर जिले के जबरनपुर गांव से आया और अभी फिलहाल रात का वक्त हो रहा है, ऐसे में घर के अंदर कोई सांप देखा गया है तो बिना वक्त गवाए हम लोग भी मौके पर पहुंच चुके हैं। चलिए चल के देखते हैं कहां पे और कौन सा सांप है, उसका सुरक्षित रेस्क्यू करने का प्रयास करते हैं। पहले कहा था बैठा है क्या? और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, एक इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा यानी कि भारतीय नाग है जो कि यहाँ पर हुड लेकर के बैठा हुआ है। और एक बात हम लोग इसके हुड में काफी विचित्र देख पा रहे हैं, इसका जो फन है, इसका जो हुड है वो आधा ही दिखाई दे रहा है, मतलब इसका जो दूसरी तरफ का हुड है वो बिल्कुल है ही नहीं। और ये अपने आप में काफी विचित्र तरह का सांप दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं इसका सिर्फ आधा हुड ही दिखाई दे रहा है। काफी विचित्र नाग है, आधे आधे फन वाला नाग, किटकी पकड़ी हुई है, एक वैसा ऐसा स्टैचू बना है, समझ नहीं रहे इसका सीन। थोड़ी मार डालना मैंने का छोटी ही है, अपन कर ले तो नहीं आ जाता, ठीक है ना? बड़ा बड़ा नहीं, वो होने में आ गया था लेकिन फिर निकाल दिया हम लोग। एक पल के लिए तो हमें ऐसा लगा था कि इसका जो सिर है वो सिर्फ आधा ही है, मतलब इसका जो हुड है वो एक साइड का है ही नहीं, लेकिन जैसे ये दीवार के पास से हटा तो इसका पूरा हुड दिखाई दे दिया। अभी आप लोग देख सकते हैं इसका हुड पूरी तरह से सही सलामत है, लेकिन जब हम लोग पहली बार इसको देखने के लिए आए रेस्क्यू करने के लिए तब ये अपना काफी विचित्र रूप बना के बैठा हुआ था, काफी अलग तरह का इसका जो रूप है वो दिखाई दे रहा था, जिससे हम लोग भी कंफ्यूज हो गए, लेकिन ये सही सलामत है, पूरी तरह से ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इसको बाहर की तरफ लेके चलते हैं और बैग में पैक करने के बाद यहाँ से दूर ले जा करके इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज किया जाएगा। जब तक कि हम लोग इसको बैग में पैक करते हैं, मैं इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों से साझा कर देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, तो ऐसे में इनको सही जानकारी देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा यानी कि भारतीय नाग को भारत के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं पर इसे नाग कहते हैं तो कहीं पर फिटार कहते हैं तो कहीं पर गिवन और कहीं पर इसे खरीस भी कहा जाता है। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन्स वेनम पाया जाता है जो किसी भी इंसान या फिर जीव को बाइट कर ले तो उसका नर्वस सिस्टम यानी कि नाड़ी तंत्र काम करना बंद कर देता है, और ऐसे में यदि सही वक्त पर उचित ट्रीटमेंट ना मिले तो उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जब भी किसी को स्नैक बाइट यानी कि सर्पदंश हो तो आप लोग बिना वक्त गवाए अपने सबसे नजदीकी सर्पदंश के अस्पताल में जाएं और उचित ट्रीटमेंट करवाएं। सर्पदंश के बाद आप लोग किसी भी तरह के झाड़फूंक या फिर तंत्र मंत्र के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि सर्पदंश के बाद आपकी जान सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर और अगर वेनमस स्नैक काटा है तो एंटीवेनम ही बचा पाएगा, ना कि किसी भी तरह का झाड़फूंक या फिर तंत्र मंत्र। नहीं नहीं इसके नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा लग रहा है किटकी टाइप, किटकी नहीं है। Thank you.
है क्या उधर इधर कहीं जगह है छोड़ने लायक और ग्रामीणों की मदद से यहाँ पर हम लोग सांप को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। ये नदी का किनारा और ये जगह इसके लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। यहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ही कम होता है, जिससे कि सांप भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और इंसान भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। और आप लोग देख सकते हैं जो सांप है वो धीरे धीरे करके जंगल में अंदर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर जंगल भी है, नदी के किनारे पर पेड़ पौधे भी है, तो ये यहाँ पर अच्छे ढंग से रह लेगा और अच्छे ढंग से सर्वाइव कर लेगा। और आप लोग देख सकते हैं जो सांप है वो धीरे धीरे करके ऊंचाई पर चढ़ते हुए अंदर की तरफ जा रहा है, तो हम लोग उसको बिना डिस्टर्ब किए जाने देंगे। आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो से वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आज के पहले आप लोगों ने इस तरह का सांप का विचित्र रूप देखा था कि नहीं, और वीडियो कैसे लगे कमेंट में ये भी बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।